दर्शकों हमारे समक्ष बैठे हैं पूर्व सांसद अजय संचिती जी। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस का जो प्रादुर्भाव काफी बढ़ चुका है, ऐसे में जो लोग, जो उद्योग है, व्यापार है, पूरी तरह से ठप है, लोगों में एक उपासमारी की समय आ गया है, ऐसे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव? देखिए, ये एक वैश्विक संकट है और आइसोलेशन में हमारा देश कोई अकेले इससे डील नहीं कर रहा है। उद्योग धंधों की जहां तक बात है, आज अगर हम लॉकडाउन नहीं करते और सब बंद नहीं करते, पूरे दुनिया में इसका प्रादुर्भाव जिस तेजी से बढ़ा है, आज अगर आप देखो तो भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने जो भी निर्णय लिए, उसके कारण हमारे यहाँ पे इसकी स्थिति आज भी बहुत अच्छी और नंबर्स बहुत कम फैले हैं यहाँ पर। इसी कारण, ये लॉकडाउन की समस्या के कारण उद्योग धंधे बंद हैं, लेकिन हर जिले को उद्योग विभाग ने तय किया कि कौन सी इंडस्ट्री चलनी चाहिए जिससे लोगों का खाने पीने की, रहने की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जो एसेंशियल मटेरियल है, मेडिसिन है, फूड है, उसकी कहीं कमी ना हो। लेकिन ये बात निश्चित है कि उद्योगों की हालत पूरे दुनिया में खराब हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है, लेकिन जान है तो जहान है, अगर हम अगर बचेंगे तो काम भी आगे करेंगे। आज उद्योग अगर चलता है तो उसके लिए स्टाफ, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सब अगर जाएगी तो हम इस कोरोना के प्रादुर्भाव को रोक नहीं पाएंगे। सर, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने 248 जो स्मॉल मीडियम स्केल यूनिट है उसको शुरू करने की अनुमति दी है, कुछ विशेष शर्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे स्टाफ न हो, ताकि अपना ट्रांसपोर्ट जो है सुचारू रूप से चलता रहे, इस बारे में आपका क्या राय है? बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय है। ऐसा है कि लोग बीमारी से नहीं मरना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था के कारण भी उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सोच समझ के लिया गया निर्णय। केंद्र सरकार ने ये खासतौर पर जो स्थानांतरण वाले जो मजदूर है, जिनको उनका जो स्थायी रूप से उनका कोई पेमेंट का सुनिश्चित नहीं होता, ऐसे लोगों को स्पेशल पैकेज दिया हुआ है, लेकिन वो पैकेज की इंफॉर्मेशन खासतौर पर ये मजदूर वर्ग तक, लेबर क्लास तक पहुंच नहीं रही है, तो क्या आपका कम्युनिकेशन गैप समझते कि इसमें? देखिए, ऐसा है कि असंगठित क्षेत्र जो है, ये सभी जानते हैं, मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लोग हैं। जी जी, घर से बाहर आदमी निकलता है खेती के काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, या डोमेस्टिक वर्क लोगों का करने के लिए, या फैक्ट्री की जो लेबर होती है उसके लिए। इन लोगों को हर चीज़ की जानकारी होती नहीं, लेकिन देश में इतने एनजीओज, सरकार का अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि मैक्सिमम लोगों तक ये खबरें पहुंच रही हैं। जहाँ नहीं पहुंच रही है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग दल भी, क्योंकि आज का विषय जो ये दल से ऊपर उठकर है, इसलिए ये राजनीति का विषय है नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूरी जानकारी उन तक पहुँचा जा रही है। और पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो जानकारी लोगों तक पहुंचे, और सिर्फ जानकारी नहीं, उसका लाभ भी उन तक कैसे पहुंचे, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। नागपुर में कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से ही बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए इस चीज़ को जानता हूँ। सर, अभी हाल ही में अपना नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, इनको प्रभारी बनाया गया नितिन गडकरी साहब को महाराष्ट्र का, तो ऐसे बैठक में ये बाकी के जो स्टेट के जो मंत्री थे, जैसे पालक मंत्री हो गया, तो तुम्हारे अपने क्या बोलते हैं ये होम मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्री हो गए, ये लोग अनुपस्थित थे, तो ऐसे में एक थोड़ा सा अलग विपरीत मैसेज गया। देखिए कि भारत सरकार ने नितिन जी को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया जी, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मैं इन चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन सारा मौजूद था वहाँ पे, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है जी, इसलिए इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। नितिन जी एक ऐसी शख्सियत है नागपुर में जो राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के साथ में काम करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि नितिन जी ने वो मीटिंग ली इसलिए नहीं लोग गए, ऐसा नहीं है। लोग अपनी अपनी जगह अलग अलग कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का सारा, नागपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, कौन नहीं था वहाँ पर, जो काम करने वाले फील्ड में लोग सारे वहाँ मौजूद थे। कोरोना का संसर्ग की व्याप्ति ज़्यादा न बढ़े, इसीलिए राज्य सरकार ने कुछ स्पेशल जो इलाके हैं उसको अति संवेदनशील मानते हुए उसको टोटली सील कर दिया, करने वाली मुंबई में कर चुकी है, तो अभी नागपुर में भी कुछ एरिया है जहाँ देखिए हम लोग फिर भी भाग्यवान हैं जी। नागपुर में आप जानते हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 18 लोग थे, उसमें से 4 ठीक हो गए, और अभी 14 लोग जो है वो 14 के 14 लोग ठीक होने के कगार पर, कोई भी क्रिटिकल नहीं है उसमें से। इसलिए नागपुर जैसे आज तकरीबन 30 लाख लोगों की पॉपुलेशन नागपुर और आसपास की हो गई है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि जितना अच्छा काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और लोगों ने उनको जो सहयोग किया,
उसके कारण यहाँ पे प्रादुर्भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो एहतियात बरते जा रहे हैं उससे यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे स्थिति में रहेंगे और रहे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण 35,000 करोड़ का अभी तक का नुकसान हुआ है, आने वाले दिन में भी लॉकडाउन की बढ़ सकती है, ऐसे में महाराष्ट्र की इकोनॉमिक क्या रही? मैंने ये पहले भी आपसे कहा कि ये वैश्विक समस्या है, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की इकोनॉमी जो उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और अगर आपने आज के अखबार देखे ही होंगे, आप पत्रकार लोग हैं, मोदी जी ने कहा है कि कोरोना के समय और कोरोना के बाद ये पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया की इकोनॉमी को एक नए रूप से हमको देखना और समझना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा उसका असेसमेंट आज करना बहुत मुश्किल है, स्थितियाँ गंभीर है, लेकिन जैसा कि कहा कि हर जान की कीमत है, पहले उसको बचाना है उसके बाद फिर इकोनॉमी की तरफ देखा जाए। सर, ये कोरोना की वजह से एक लोगों में जो पैनिक निर्माण हुआ है तो उस पर खासतौर पर अपने जो केंद्र सरकार है पूरे इंडिया पे उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल किया, काफी बाकी के देश भी काफी तारीफें कर रहे हैं क्योंकि ये थर्ड स्टेज पे नहीं गया हुआ है, ये सब उनकी कारगर नीति है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? मोदी जी के नेतृत्व में देखिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि देश आज जिस एक इतनी खराब स्थिति से गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही, ऐसे समय भारत का प्रधानमंत्री ऐसा सेंसिटिव व्यक्ति है जो मुझे नहीं लगता, मोदी जी के चेहरे की तरफ देखता हूँ टीवी में तो ऐसा लगता है ये आदमी सोते हैं कि नहीं सोते हैं। 24 घंटे लोगों की चिंता और जिस तरीके का मैनेजमेंट है, जिस तरीके का काम वो करते हैं, उन्होंने भुज का भूकंप देखा हुआ है, गुजरात को त्रासदी से निकाला हुआ है, इसलिए और सब में अच्छी बात है, कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें सारे दलों ने, सारे मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया और मोदी जी ने भी आज राजनीति कहीं हो ही नहीं रही, आज ये हो रहा है देश का हर नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए मोदी जी, उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और सारे राज्य एक टीम की भावना से काम कर रहे हैं। इसी में पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सराहना की जा रही है कि उनका भी कर्तव्य जो है बहुत वो अपने दक्षता से निभा रहे हैं, इसमें ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनके लिए क्या किया जाएगा? मेरा अपना ये मानना है कि सरकार निश्चित तौर पर केंद्र की ओर, ये एक व्यावहारिक निर्णय है जो सरकार लेगी स्थितियों का असेसमेंट करके, लेकिन सरकार जो भी निर्णय लेगी जनता को उसका समर्थन खुले दिल से इसलिए करना कि वो निर्णय वो हमारे लिए ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं। मित्रों, कोरोना की वैश्विक महामारी से हम जो जूझ रहे हैं, भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और सारे राज्यों के अपने अपने नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छी पहल की, लॉकडाउन का किया, लॉकडाउन का पालन किया और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, हेल्थ कर्मचारी हो हमारे, जी जान से आप कैसे ठीक रहे इसकी व्यवस्था में लगे हुए, मेरा आपसे अनुरोध है वो आपको उसी समय बचा सकते हैं जब आप अपने घर में रहें, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और देश में ये जो एक पहल शुरू हुई है आप सबको बचाने के लिए उसका साथ दें। थैंक यू।